फेसबुक का आम फीचर ख़त्म करने का ऐलान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। समाजी रबते के लिए इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट फेसबुक ने लाइव शॉपिंग के फीचर को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फेसबुक की जानब से ब्लॉग पोस्ट में कहा गया है कि सार्फिन 1 अक्टूबर 2022 से फेसबुक पर किसी भी तरह के नए या शेड्यूल लाइव शॉपिंग इवेंट्स की मेज़बानी नहीं कर सकेंगे। फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम वीडियो का फीचर मुतअद्दिद ट्रेलर्स और टेस्टों के बाद 2 साल कबल अवामी सतह पर मुतारफ़ करवाया गया था। सार्फिन लाइव इवेंट्स को अगरचे नशर करने के लिए फेसबुक लाइव का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन वो फेसबुक लाइव वीडियोस पर प्रोडक्ट प्लेलिस्ट बनाने या प्रोडक्ट टैग नहीं कर सकेंगे। ये फीचर तहलीककारों को सामान फरोख्त करने नाज़रीन और मुमकिना तौर पर नए सार्फिन से जुड़ने का रास्ता फ्राहम करने के लिए डिज़ाइनिंग किया गया था। तहम फेसबुक का कहना है कि चूँकि सार्फिन के देखने के रवैये मुख्तसर दौरानिये की वीडियो की तरफ तब्दील हो रहे हैं, हम भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी तवज्जो रील्स पर मजकूर कर रहे हैं कि रील्स फेसबुक की प्रिंट कंपनी मीटा की मुख्तसर दौरानिये की वीडियो प्रोडक्ट है। मुबशरीन के मुताबिक फेसबुक चीन की वीडियो ऐप टिकटॉक का मुकाबला करने के लिए रील्स पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। कंपनी का कहना है कि अगर सार्फिन वीडियो के ज़रिए लोगों तक पहुंचना और इन्हें मतवजो करना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स और रील्स एड्स के साथ तजर्बे की कोशिश कर सकते हैं। फेसबुक का ये भी कहना था कि अगर आप अपनी पुरानी लाइव वीडियो को महफूज करना चाहते हैं तो आपसे अपने पेज या क्रिएटर स्टूडियो से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल BM उर्दू इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।